इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैंने कहा प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूँ। जलेबी नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया ना, मेरे तो आ गया। सड़कों गलियों में बनने वाली ये गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैं जलेबी की क्यों बात कर रहा हूँ। अरे भाई, चुनावी सीजन है और चुनाव में कब किस चीज का जिक्र हो जाए इसका किसी को पता नहीं चलता। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में जलेबी की एंट्री हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी लगातार प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने सोनीपत के गोहाना में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध हलवाई मातू राम की दुकान की जलेबी का स्वाद चखा। इससे पहले उन्होंने गोहाना की सब्जी मंडी में जनसभा की। हालांकि अब उनके बयान की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। जनसभा में राहुल गांधी ने बताया कि मैंने गाड़ी में जलेबी चखी और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज भेजा कि आज मैंने जिंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है, मैं तुम्हारे लिए भी जलेबी का एक डिब्बा ला रहा हूँ। फिर मैंने दीपेंद्र जी और बजरंग पुनिया जी से कहा कि ये जलेबी हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जानी चाहिए। अगर ये जलेबी देश और विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाए और हजारों लोगों को काम मिल जाए। पहले आप भी सुनिए राहुल गांधी किस जलेबी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है, लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है, पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं, इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों, मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी,
उसके बाद अरबपतियों को, दो तीन अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती, इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस जलेबी का जिक्र कांग्रेस नेता ने किया वो हरियाणा में गोहाना में है, जिसे लाला मथुराम की जलेबी के नाम से भी जाना जाता है। उनके यहाँ की जलेबी लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान पर तंज कस रही है और बोल रही है कि पहले आलू से सोना, अब जलेबी की फैक्ट्री। खैर ये तो राजनीति है, चुनावी माहौल है, वार पलटवार तो जारी रहेगा, लेकिन आप सब इस जलेबी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।